अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सोचा कि फेस के साथ वीडियो बना लूँ। ज़रा फैमिली के साथ आउटिंग पे गई थी तो खाने के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, तो साथ साथ मैंने वीडियोस भी बनाती रही हूँ। यहाँ पे बस हम खाने के लिए आए थे तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, रोल्स ऑर्डर किए थे और साथ ही मैं जो था ना कोक्स भी ऑर्डर की थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया। अब खाना खाने के बाद हम लोग अल्फ़त पे जाएंगे। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मुझे और स्नैक्स वगैरह लेने थे, क्योंकि फिर कॉलोनी से जब बाहर जाके मार्केट में जाना पड़ता है, इस वजह से जाना मंथली फिर इस तरह से ग्रोसरी वगैरह हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी जो है वो स्नैक्स वगैरह ले रही हूँ। उसके बाद जो है हम लोग अपनी शॉपिंग भी करेंगे। वो जो शॉपिंग की होगी वो घर आके मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया था। यहाँ पे मैं आपको स्प्रिंग रोल्स भी दिखा देती हूँ। इतने ये सबसे पहले स्प्रिंग रोल्स आए हैं हमारे, बहुत ही अजीब सा टेस्ट था। तो बस फिर भी खाना है इसलिए उनको कुछ कह नहीं सकते थे। तो बस यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स ट्राई किए हम लोगों ने, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने जो है वो शॉपिंग कम्प्लीट करेंगे और फिर सीधा जो है वो घर जाएंगे। और रास्ते में जो था वो वगैरह भी अंकल सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो था हम लोगों ने गोला वगैरह खाया। यहाँ पर गोला बना रहे थे तो उनका भी मैंने जो है थोड़ी सी वीडियो ऐड कर ली है। तो अच्छा जी, आप देखें कि कैसे बनता है ये सारा, तो इसके अलग से वीडियो कंप्लीट भी डालूँगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारी वीडियोस वो कहते हैं कि मुझे है। तो कि उनका गोला जो था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑब्वियस आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन वो रहते हैं आर्टिफिशियल नहीं होते, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा अच्छा जी। इन्होंने इस तरह से बस गोला वगैरह लेके थोड़ा सा इन्जॉय किया, शॉपिंग की, और आज का दिन बस फैमिली के साथ इस तरह से गुजरा था। तो आज के लिए भी साथ साथ ही वीडियो के जिन्हें ट्रिप वगैरह बनाते रहे हैं और फैसलाबाद मेरी ट्रेन में फैसली में सभी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ना जो विज़िट करवाऊँगी। तो जो जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे जाएं और इन्जॉय करें फैमिली के साथ। अच्छा, और आ चुके थे घर। आने के बाद हम लोगों ने जो था वो बारबेक्यू का अरेंज वगैरह किया हुआ था, क्योंकि वैसे भी संडे था, सबको ऑफ था सब, तो हम लोग बस ये बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। और साथ ही फिर जो है वो चारपाई वगैरह भी बिछा ली थी सोने के लिए। तो यहाँ पे बारबेक्यू, और इसके लिए जो अलग से रेसिपी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।